योग आवश्यक है, योग को हमेशा हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें योग नित्य अपनाना चाहिए, योग का अभ्यास नित्य करना चाहिए। आज मैं आपको कुछ योग के आसन और मर्मों के बारे में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आराम से रिलैक्स होकर बैठिए, कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए, है ना। और जो आप बैठने का तरीका, जो मैं जिस तरीके से बैठा हूँ, ये वज्रासन है। वज्रासन में बैठिए, अपनाना चाहिए। योग केवल एक आसन मात्र नहीं है। योग, हम जो भी काम करते हैं यदि हम कुशलता से करते हैं तो उसे योग कहा जाता है। कहा गया है योग कर्मसु कौशलम। जैसे आप पढ़ाई करते हो ना, पढ़ाई में परफेक्टनेस लाना, अच्छे से पढ़ाई करना, ये भी एक योग है। एक समान भाव रखना, ये भी योग है, ठीक है ना। तो मैंने आपको आज योग के बारे में बताया।